कर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ खुद अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे, देश के हर गांव को आदर्श कहलाएंगे, सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। मेरा नाम बुद्धालाल है, मैं ब्लॉक चिनाहट की ओर से भटौली खुर्द का प्रेरक हूँ। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र उल्दा 4 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा नाम श्रीमती विमला देवी पांडे है। पिछले साल से मैं अब प्रेरक हो गई हूँ। भारत सरकार द्वारा निर्मित जन संरक्षण शिक्षण निलयम में कार्यरत हूँ। हमारे केंद्रों में अनुदेशिकाएं साक्षरता शिक्षण व्यवहारिक ज्ञान देकर करती हैं। ये कार्यक्रम सतत शिक्षा के अंतर्गत है। मेरा नाम निशा है, मैं मसौली क्षेत्र जनपद बाराबंकी की प्रेरक हूँ। मेरे पास 9 केंद्र है। प्रौढ़ों के सीखने का ढंग बच्चों से भिन्न है। प्रौढ़ सीखते हैं अनुभवों के आदान प्रदान से, एक दूसरे से बातचीत करके, अपने हम उम्र साथियों के साथ चर्चा करके और कभी कभी आत्मनिरीक्षण से भी। आइए देखें हमारे प्रेरकों ने सीखने के कौन से तरीके अपनाए हैं। मैं अनुराधा लालगंज जनपद की सरैनी क्षेत्र की प्रेरक हूँ। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता को बढ़ाने का कार्य कर रही हूँ। वैसे मेरे पास इस समय 8 केंद्र हैं, सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये कार्य जितना सुनने में अच्छा लगता है करने में उतना ही कठिन है। सबसे बड़ी परेशानी अनुदेशिकाओं के चयन की है। कुछ लोग अपनी ही बहन या बेटी को अनुदेशिका बनवा देते हैं जो कार्य ही नहीं करती। अनुदेशिकाओं की सुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं है। एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी काफ़ी होती है, अकेले जाने में डर भी लगता है। प्रतिभागियों के नाने की भी एक समस्या है। वे पूछते हैं अगर हम 2 घंटा पढ़ेंगे तो हमें पैसा कितना मिलेगा। उनके पास अपनी ही आर्थिक समस्याएं हैं और फसल कटने के समय तो किसी भी कीमत पर आने को तैयार ही नहीं होते। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं उन्नाव जनपद के हिलौरी क्षेत्र का प्रेरक हूँ। मेरे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। 8 में से 5 केंद्रों में उपस्थिति तो करीब 23 से 25 तक है। हाँ, 3 केंद्रों के बारे में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन केंद्रों का चुनाव ही गलत हुआ है, क्योंकि वो केंद्र इतनी दूरी पर खोले गए हैं कि प्रतिभागियों को वहां तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। हमारे केंद्रों में अनुदेशिकाएं साक्षरता शिक्षण व्यवहारिक ज्ञान देकर करती हैं, जिससे कि प्रतिभागियों में साक्षरता के प्रति रुचि बनी रहती है। हमारे सायंकालीन कक्षा में भी प्रतिभागी आते हैं। हर हफ्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते हैं, और साथ ही साथ 2-3 माह में एक जत्था भी निकाला जाता है। और अब परिवारों के सोचने के ढंग में भी अंतर आने लगा है। और अब गांव के लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले की तरह झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में नहीं पड़ते। मेरा नाम निशा है, मैं मसौली क्षेत्र जनपद बाराबंकी की प्रेरक हूँ। मेरे पास 9 केंद्र हैं, कुछ तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहाँ लोगों में काफी परिवर्तन आया है, जैसे खान पान में, पर्दा प्रथा में या बच्चों को स्कूल भेजने में। कुछ माह पहले हमारे केंद्रों पर ऊन की बिनाई की शिक्षा मशीनों द्वारा दी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि केंद्र पर प्रौढ़ों की उपस्थिति बढ़ गई, और जिन केंद्रों की गति मंद है वहाँ समय समय पर पर्यवेक्षण व निरीक्षण करके या बैठ के करके नए नए उपाय निकालती हूँ
जिनसे उन केंद्रों को ठीक से चलाया जा सके। वैसे मैं अपने कार्य और लोगों के सहयोग से संतुष्ट हूँ। मेरा नाम हंसराज है, मैं प्रेरक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। उन्नाव जनपद में असुहा क्षेत्र ही मेरा कार्य क्षेत्र है। मुझे बचपन से ही समाज सेवा की अधिक रुचि थी, इसलिए मैंने इसे ही अपना कार्य क्षेत्र चुना। प्रौढ़ शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, किंतु दुख की बात है कि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे केंद्रों में ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। समिति के सारे सदस्य एक ही परिवार के हैं या नज़दीकी रिश्तेदार। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी अनुदेशिकाओं का कार्य अत्यंत जटिल होता है, इसलिए कम पढ़ी लिखी और हाई स्कूल पास अनुदेशिकाएं अपना कार्य अधिक कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रही। हाँ, एक बात और, प्रौढ़ शिक्षा का लाभ भी कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं। अब जैसे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले कुछ ही लोग उठा पा रहे हैं इसे, और मध्यम वर्ग की महिलाएं अपनी प्रतिष्ठा के कारण इसका लाभ नहीं उठा पा रही। साथ ही जब हम संदर्भ व्यक्ति को चर्चा के लिए या वार्ता हेतु उन्हें आमंत्रित करते हैं तो वे नहीं आते, और अधिक आग्रह करते हैं तो समय अभाव की बात करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अधिकाधिक सफलता उसके प्रचार प्रसार, जनसंपर्क और जनसहयोग पर निर्भर करती है। जनता की जितनी अधिक भागीदारी होगी, कार्यक्रम उतना ही अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। जनता में फैले झूठी अफवाहें, भ्रामक प्रचार, अंधविश्वास को आमने सामने बातचीत करके दूर किया जा सकता है और लोगों में विश्वास पैदा किया जा सकता है। हाँ तो अनुराधा बहन जी, आपके यहाँ अनुदेशिकाओं का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? अब देखिए दीदी, जहाँ पर कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वहाँ पर तो उनको ही रखना पड़ता है, और वहीं के व्यक्तियों के दबाव में आकर चुनाव भी करना पड़ा, क्योंकि दूसरे क्षेत्र की महिलाएं वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। और फिर एक बात और है, जहाँ पर बड़ी उम्र की अनुदेशिकाएं हैं वो केंद्र तो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, लेकिन कम उम्र की अनुदेशिकाओं के होने पर बड़ी परेशानी है। परियोजना अधिकारी की सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकती हैं, क्योंकि अनुदेशिकाओं का चुनाव ग्राम शिक्षा समिति और परियोजना अधिकारी दोनों की ही राय से होता है। जब कभी आपके सामने इस तरह की स्थिति आ जाए तो आपको अपनी बात दोनों के सामने रखनी चाहिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अवधेश भैया जी, आप अपने केंद्र पर सांस्कृतिक प्रोग्राम में क्या क्या करते हैं? हम तो कभी लोक नृत्य, कभी लोकगीत, कभी भजन कीर्तन और कभी कभी रामायण आदि पर चर्चा करवाते हैं। बहुत अच्छा जी, लेकिन ये तो बताइए कि आपके केंद्रों का चुनाव गलत किस प्रकार हुआ? वो इस तरह से कि केंद्र इतने दूर पर खोले गए हैं कि प्रतिभागी आसानी से वहां पर पहुंच नहीं पाते, और दूसरी बात यह है कि प्रतिभागी महिलाएं दूसरे टोले में खुले हुए केंद्रों पर नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस समस्या का समाधान आप परियोजना अधिकारी की सहायता से सर्वेक्षण के समय कर सकते हैं, साथ ही समुदाय का सहयोग प्राप्त कर अपनी इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा निशा बहन, ये तो बताओ, तुम्हारे केंद्र तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी कोई परेशानी हुई? जी नहीं। अनुदेशिकाओं को प्रशिक्षण दिलाने के बाद क्या किया? देखिए, प्रशिक्षण दिलवाने के साथ साथ उन्हें ऋण कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, और तैयार माल के बाजार में विक्रय की क्या व्यवस्था है, इसकी भी जानकारी दिलवाई। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षरता को आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए? जी हाँ, मैंने तो अपने केंद्र पर यही प्रयोग करके देखा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हंसराज जी, जरा ये तो बताइए कि आपने संदर्भ व्यक्तियों को कब कब बुलाया? दीदी, जब जब हमने किसी विषय पर चर्चा आयोजित की तब तब उन्हें बुलवाया। वो क्यों नहीं आए? अब क्या बताएं, वे लोग इस कार्यक्रम को अपना समझते ही नहीं। जिन संदर्भ व्यक्तियों को आपने अपने केंद्रों पर बुलवाया उनको कभी आपने ये समझाने का प्रयास किया
कि आप उनको एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहां पर वे अपने लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाले वहां पर बहुत से लोग मिलेंगे। कभी कोई समस्या और आई आपके सामने? नहीं नहीं दीदी, और कोई समस्या नहीं है। बस क्या है कि अनुदेशिकाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए कभी कभी अभिलेख वगैरह भरने में वो गलतियां कर देती हैं। समय समय पर प्रेरक या पर्यवेक्षक अनुदेशक के साथ या ग्रामवासियों के साथ बैठकें आयोजित करें और उनके सामने अपनी समस्याएं रखें और उनकी समस्याओं को सुने। परियोजना अधिकारी और ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें आयोजित करें और अपनी समस्याओं को उसी प्रकार उनके सामने भी रखें। इस प्रकार दोनों स्तर की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ग्राम स्तर की समस्याएं ग्राम की और परियोजना स्तर पर परियोजना की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। अनुराधा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपना काम शुरू करने के पहले ग्राम प्रधान की सहायता लेनी चाहिए और सर्वेक्षण के दौरान ही सही अनुदेशिकाओं को पहचान लो, फिर उनका नाम परियोजना अधिकारी को चयन के लिए दो। हाँ अवधेश भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं, मेरे विचार से ऐसे कार्य के लिए ग्राम प्रधान और समुदाय के सहयोग की विशेष आवश्यकता होती है। हाँ, यही तो। हाँ, ग्राम शिक्षा समिति का चुनाव गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रधान जी और प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की मदद से करना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, पर निशा बहन एक बात बताओ, हम अपने केंद्रों पर व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किस तरह करें? देखिए भैया, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके क्षेत्र की महिलाएं किस कार्य को अधिक अच्छी तरह से और रुचि के साथ कर सकती हैं और किस चीज का कच्चा माल आपकी तरफ आसानी से मिल सकता है, फिर उसी के प्रशिक्षण की व्यवस्था आप अपने परियोजना अधिकारी की मदद से कर सकते हैं। हमारा तो ये भी सुझाव है कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कभी कभी जत्थे का आयोजन करना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहूंगी, यदि हम हर हफ्ते सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों का आयोजन करें तो प्रौढ़ों का मनोरंजन भी होगा और गीतों तथा अन्य माध्यमों से हम अपना संदेश भी उन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकेंगे। पर अनुराधा बहन, एक बात और बताइए आप भाई, इन संदर्भ व्यक्तियों को किस तरह केंद्रों में बुलाया जाए, क्योंकि चर्चा मंडल में उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। मैं तो अपने केंद्रों पर समय समय पर गाँव के लोगों से चर्चा करवाती हूँ, रमई काकी को बुलवाया और घर की बेकार चीजों का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर चर्चा करवाई। हमारे रमजान चाचा की खेती अच्छी है, सो कृषि पर उन्हीं से चर्चा करवा दी। भाई देखिए, मेरी समझ में तो ग्राम विकास अधिकारियों के साथ साथ हमें अपने गांव के लोगों से भी चर्चा करवानी चाहिए, इससे एक तो उनमें स्वाभिमान बढ़ता है और उत्साह भी। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेरक या पर्यवेक्षक को अपने कार्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में सफल हो सकें। साथ ही उनको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए ताकि अपनी स्वयं की सूझबूझ के द्वारा वो अपनी केंद्र की और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे स्वयं नहीं मालूम था। मैंने तो सोचा था कि अनुदेशिकाओं का चयन केवल परियोजना अधिकारियों का ही कार्य है। यदि शुरू में ही सर्वेक्षण के समय मैंने इस बात को ध्यान में रखा होता और गांव वालों से भाईचारे के व्यवहार द्वारा उचित जानकारी ले ली होती तो शायद आज ये परेशानी न देखनी पड़ती। मुझमें कम से कम इतना तो साहस होना ही चाहिए था कि अपनी बात को परियोजना के ऊंचे अधिकारियों के सामने रख सकती। मैंने ऐसा नहीं किया, शायद इसीलिए अपने केंद्रों को चलाने में मुझे कुछ परेशानी हुई। खैर, अब ऐसा नहीं होगा, अब तो मैं कोई भी कार्य करूंगी ग्राम वासियों की सहायता से और ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ही करूंगी। केंद्रों के चुनाव में कमी तो रही गई, प्रतिभागी केंद्र तक पहुंच नहीं पाते आसानी से, इसमें भी तो हमारा ही दोष है ना। केंद्र खोलने से पहले
हमें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी करनी चाहिए थी, कहां कहां पर प्रतिभागी आसानी से आ सकते हैं, इसकी भी सूचना परियोजना अधिकारी को हमें ही देनी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। नहीं तो आज शायद हमारे सामने प्रतिभागियों की उपस्थिति की समस्या न होती। केंद्र चलाने के लिए सबसे पहले हमें सबका सहयोग लेना चाहिए था और अधिकारियों तक केंद्र की सही सूचना देनी चाहिए थी। मेरे केंद्र हाँ अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन वो बुनाई प्रशिक्षण, उफ, कितनी भाग दौड़। अच्छा, अब की जन शिक्षण निलियम पर हाँ अचार डालने, सिलाई कढ़ाई, घरेलू सामान बनाना, हाँ इनका प्रशिक्षण करवाऊंगी। इससे एक तो ऋण के लिए और फिर विशेषज्ञों के पीछे भी नहीं भागना पड़ेगा। हाँ काम तो अच्छा है और इससे महिलाएं सीखेंगी भी। आपकी परियोजना अधिकारी से इस पर बात करती हूँ, देखें क्या कहते हैं। हाँ निशा ठीक ही कह रही थी, यदि विकास अधिकारी नहीं आ पाते तो हमें अपने गांव के ही किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति को बुलवाकर चर्चा करवानी चाहिए। मैंने भी खामखा इतना समय बर्बाद किया, अब अगर झुनिया भाभी को ही बुलवा लेता, भाई उन्हें तो घरेलू इलाज के बहुत से नुस्खे मालूम हैं, तो हमारे प्रतिभागियों को जरूर थोड़ा बहुत लाभ होता। हाँ यूं तो गांव में कई अनुभवी व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जानकारियां बहुत रखते हैं। अब सवाल ऐसे लोगों को तलाशने की है और उनके अनुभव से फायदा उठाने की बात है। हो सकता है हमारे प्रतिभागियों के बीच में ही ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति हो। ठीक, अब की बार दुर्गा भाभी को जरूर बुलवाऊंगा चर्चा के लिए। चलो देर आयद दुरुस्त आयद। देखा आपने इन चारों प्रेरकों की कार्यशैली को, सबका कार्य करने का ढंग अपना अलग अलग है। कौन अपने कार्य में कितना सफल हुआ आपने ये भी देख लिया। प्रेरक या पर्यवेक्षक के कार्य अत्यंत विस्तृत हैं, पर अपने कार्यों में वो तभी सफल हो सकता है जब उसको अपने कार्यों की पूरी और सही जानकारी हो।